अरे कत दुख হচ্ছে আমার এটা কা इसको इसका खत्म हो गया टाइम और इसको फेंकने में मुझे बहुत दुख हो रहा है। आप सबका बॉम्बे ड्रीम्स में स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो पक्का सब्सक्राइब करना और वीडियो को आगे देखना चाहते हो तो बेल बटन को भी दबाना ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और नाश्ता देखिए एकदम सुबह सुबह इतना अच्छा नाश्ता, टेस्टी टेस्टी, दिल खुश हो गया। हाँ एकदम खाने का मन कर लो, खाने दो ना। हाँ कर लो ना। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? आशा करती मेरे सारे फ्रेंड्स अच्छे हैं। मैं भी अभी थोड़ा सा नॉर्मल हो गई हूँ। मेरे चैनल पॉम्पीज ड्रीम्स में आपका सबका स्वागत है, दिल से स्वागत है। तो आज का ब्लॉग सुबह से शुरू कर दिया, नाश्ता वास्ता सब हो गया, अभी मुझे साफ सफाई करना है। और पिछले ब्लॉग के बाद दो दिन मैं ब्लॉग कुछ बना ही नहीं क्योंकि मुझे मन ही नहीं हो रहा था, लेकिन नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो ठीक हूँ, अभी नॉर्मल होना ही पड़ेगा। कुछ अच्छा के लिए कुछ थोड़ा सा तो हमें करना ही है जी, नहीं वो आगे जाएगा तो ही तो आगे बढ़ेगा तो सब कुछ अच्छा होगा। तो माँ हूँ, थोड़ा सा तो दुख होता ही है। दो दिन क्यों नहीं किया, क्योंकि आँख बाग पूरा मेरा फूल गया था, तो इसीलिए मैं दो दिन ब्लॉग नहीं किया। फिर शुरू हो गया ब्लॉग करने के लिए, रेडी हूँ मैं अभी। तो चलो देखो मेरे साथ। और बहुत धूप आ रही बोल के मैं पर्दा भी इधर लगा दिया, और अभी देखो फैन का हालत देखो, पहले देख लो आप एक बार, इतना गंदा लग रहा है। मैं सालों से साफ नहीं किया, सच में एक हफ्ता हुआ मैं साफ नहीं किया, एक हफ्ता में इसका मतलब इस साइड वाला फ़ैन मेरा ज़्यादा चलता है, तो फर्स्ट मुझे फ़ैन साफ करना है। इतना गंदा मुझे दिखा है, मतलब देख नहीं पा रही हूँ मैं, तो पहले फ़ैन साफ करूँगी उसके बाद सब कुछ काम करेंगे। और अभी शुरू कर दूँ, देखा ना फैन का हालत बहुत ख़राब हो गया, मतलब फ़ैन गर्मी में ना सबसे ज़्यादा गंदा होता है फ़ैन। फ़ैन बहुत दो एक हफ्ते में फ़ैन गंदा हो जाता है। साफ तो करती हूँ, मुझे तो साफ सफाई का है थोड़ा बीमारी, लेकिन फ़ैन लेके मैं परेशान। दो दिन चलाओ फिर तीसरा दिन इतना गंदा धूल एकदम मिट्टी हो ही जाता है। तो अभी फ़ैन साफ करने के बाद पोछा लगाएंगे। पोछा नहीं लगाई मैं जी, बाहर ऐसे काम करके चली गई थी, पोछा मैं सोचा फ़ैन साफ करना है बोल के मैं नहीं पोछा लगाई। तो अभी पोछा लगा के, फ़ैन साफ करके पोछा लगा के फिर नहाऊंगी, है ना। चलो कर लेते हैं फटाफट। और बाहर से आओ तो थोड़ा सा सुस्ती लग रही है, आजकल धूप है ना, तो थोड़ा सा आके बैठ गई मैं, फिर अभी फिर दोबारा शुरू हो गई। अरे कत दुख হচ্ছে আমার এটা, इसको इसका खत्म हो गया टाइम और इसको फेंकने में मुझे बहुत दुख हो रहा है। क्यों दुख हो रहा है देखो, आप सबको ही होगा, इतना छोटा सा उसका बुक टेबल में रहता था, क्यूट, बहुत क्यूट। अभी मैं क्या करूं, पर वो एक साल पुराना हो चुका है। और साइड में ना कभी कभी 21 का भी रहता है, 2021 का, लेकिन इसमें नहीं है, एक साल के लिए ही दिया। चलो फिर मिलेंगे, अलविदा। और काम हो गया, अभी मैं इधर आई चावल चराने, थोड़ा सा चावल बना के रख दूँ नहीं, खाना खाने के पहले आज ज़्यादा कुछ नहीं बनाएंगे, दाल चावल और अंडा का ऑमलेट बना लेंगे, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा काम करो तो लेट हो जाता है बाहर जाके आके। घर का भी किया थोड़ा सा, अभी चावल चरा दिया, और आज एकदम मेरा क्यूट सा बर्तन में चावल, ये बहुत पुराना बर्तन है तो छोटा छोटा बर्तन मुझे बहुत अच्छा लगता है, इस पर मैं अभी चावल चढ़ा दिया। हाँ दोपहर में धूप आता है ना बोली मैं, तो मैं एकदम काम वाम करके
पूरा पर्दा मैं ऐसे खींच देती हूँ एकदम 5-5:30 बजे तक मैं अभी ये पर्दा दे के रखेंगे ऐसे करके, क्योंकि धूप नहीं आता ना, थोड़ा सा अंधेरा होता है तो ठंडा महसूस होता है, पूरा ऐसे करके रखो ना तो ठंडा सा लगता है रूम। और मेरा राइस बन गया, अभी इसका पानी निकालना बाकी है और बनाऊंगी फटाफट आम। Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. अभी हम जा रहे हैं बाहर, थोड़ा सा काम है, बेटी भी देखो दिखाई दे दिया, तो बाहर क्या कर रही हूँ आके बताएंगे, तो अभी बाहर घूम के आते हैं, घूम चलो। आ गई घर में आके, ये देखो इसमें है बुक, नया क्लास का नई बुक लेके आ गई, तो बुक लाने मैं बाहर गई थी, अभी पूरा काम करेंगे। और अभी डायरेक्ट मैं आपके साथ शाम को मिल रही हूँ, और थोड़ा सा बाहर किसी का प्रोग्राम हो रहा है तो थोड़ा सा आवाज आएगा, इसीलिए मैं दोपहर के बाद और कंटिन्यू नहीं कर पाई, लेकिन मैं सोचा रात को भी कम हो जाएगा, लेकिन कम नहीं हो रहा है, रात को तो और भी प्रोग्राम है, तो कितना क्या दिखा पाऊंगी वो नहीं बोल पा रही हूँ मैं, तो चलो देखो मेरे साथ है ना। और अभी शाम हो गया, मैं वॉकिंग करके आ गई, अभी पीऊँगी मेरा फेवरेट चीज़, वो तो सबको आपको पता है, चाय। चलो चाय पीते हैं, है ना, कि ऐसा होता जैसे हम एक साथ बैठ के चाय पीते हैं, कितना अच्छा होता है ना, ये एक साथ बैठ के सब मिल के होगा, इतना कुछ आगे गए हम तो ये भी शायद एक दिन ना एक दिन होगा जी, सब साथ में बैठ के हम चाय पियेंगे, तो चलो अभी तो फिलहाल मैं पी लूँ, आप लोग देख लो है ना। और वॉकिंग करके आने के टाइम मैं थोड़ा सा फ्रूट लाई, बिल्कुल फ्रूट नहीं है, ख़त्म हो गया, इस बार मंडे मार्केट से मैं ज़्यादा कुछ सामान ले नहीं पाई, तो अभी थोड़ा थोड़ा लेके आना पड़ेगा बीच बीच में, तो फ्रूट आज लेके आए, दो तरह का फ्रूट लेके आई मैं, तो चलो वो सब भी कर लूँ, चाय भी पी लूँ। और खाना कंप्लीट हो गया, खाना बना खा लिया, और चश्मा थोड़ा सा खोल के रखी, पसीना हो रहा था तो मुंह धो के आई, तो चश्मा खोल के रखी हूँ। और एक चीज़ मेरा बेटी ने बनाया, पहले तो कैनवास बनाई थी वो भी आप लोगों को दिखाई थी, ये थोड़ा सा अलग है, न्यूज़पेपर का बना रही है, बहुत अच्छा, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी कंप्लीट होने में शायद थोड़ा सा टाइम है, लेकिन आप लोग देख लो एक बार, चलो दिखाते हैं। और ये देखिए बना रही है पेपर डॉल, जो अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें थोड़ा थोड़ा काम अभी बाकी है और पेंटिंग करना बाकी है, इसमें पेंट भी करेगी, इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन होगा, तब बन के तैयार होगा पेपर का डॉल, और बहुत सुंदर लग रहे हैं अभी ऐसे में, तो अभी शायद आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जब कंप्लीट हो जाएगा तब एकदम और भी निखर के आ जाएगा पेपर डॉल। और खाना पीना सब कंप्लीट, रात का मतलब डिनर, खाना पीना मतलब रात हो गया तो डिनर हमारा कंप्लीट हो गया, और हाँ सब बर्तन साफ, किचन भी साफ कर ली मैं,
और इधर थोड़ा सा गीला, मतलब खाना खाने गई तो खाना गिर गया तो थोड़ा सा धो दिया था, इसीलिए थोड़ा ऐसे गीला गीला लग रहा है। चलो छोड़ो। और पेपर डॉल आप लोगों को कैसा लगा पक्का बताना, और अभी भी बाकी है फिर भी एक दिल से लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अच्छे से रहना, हंसते रहना। ओके फ्रेंड्स, बाय, गुड नाइट।